हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से आज आपके बीच में हैं और सार्थक की बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5.1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एंड हायर ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसके पहले पार्ट में आपने देख लिया था पहले वीडियो में कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से आगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, और ये एक्सरसाइज हमारी इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी आज। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा नीचे, इसमें देख लीजिए आप। क्वेश्चन हमारे पास d3y/dx3 - 8y = 0। तो इसको हमने पहले ऑपरेटर फॉर्म में लिख लिया। इसको किस तरह लिखते हैं हमने पिछले वीडियो में देख रखा है, और थ्योरी वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लें पहले। उसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो डी को एम से रिप्लेस करना है आपने। तो इस फंक्शन में आपने एफ डी जो फंक्शन इतना सा है इसको आपने एम से रिप्लेस किया, इक्वल टू 0 लगा दिया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए इसमें क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है तो शेषफल प्रमेय लगेगी, और शेषफल प्रमेय के लिए आप क्या करोगे, तो आपने क्या किया है यहाँ पे रफ वर्क में किया है। पहले आप इसमें सेटिस्फाई करके देखोगे कि किस उससे सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे m इक्वल टू 2 रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, 2 का क्यूब 8 - 8 0 हो रहा है। तो इसका मतलब m माइनस 2 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा। ये चीज़ आपको पहले दिखानी पड़ेगी, वो सब यहाँ पर रफ वर्क में कर दिया गया है तो इसलिए छोटा दिख रहा है यहाँ पे, अदरवाइज आप सॉल्व करोगे तो लंबा निकलेगा ये। तो m माइनस 2 इसका फंक्शन होगा, फिर आप क्या करोगे, m माइनस 2 इसका फैक्टर है, m माइनस 2 से आप इसमें डिवाइड करोगे m क्यूब माइनस 8 में। तो ये डिवीज़न भी कैसे करना है, किस तरह से किए जाते हैं, ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियोस में डिटेल में बता रखे हैं। तो उसकी हेल्प से आप m माइनस 2 से m क्यूब माइनस 8 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा m स्क्वायर प्लस 2m - 2m + 4। तब आप लिखोगे कि m माइनस 2 एक फैक्टर था और बाकी बचा हुआ ये आ गया हमारे पास। अब आप क्या करना है, m माइनस 2 तो आगे से रूट निकल जाएगा, लेकिन ये m स्क्वायर प्लस 2m + 4 ये क्या होगा इसका, ये इस पर आपको फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे 9th के मेथड से। देखिए फैक्टर्स निकल नहीं पा रहे हैं तो इस वजह से हम क्या करेंगे, धराचार्य मेथड लगाएंगे। तो हमने केवल इतने वाले को सॉल्व किया है इस एक्सप्रेशन को, तो माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac/2a ये फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, फिर उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है। तो आपने इसमें क्या किया है कि यहाँ से सॉल्व किया तो 4 - 16 - 12 आया। माइनस को माइनस √1 को आप √-1 को आई कर देंगे, √12 बचेगा, उसको आप 12 को √12 को 2√3 इतना ब्रेक करके लिख सकते हैं। आप देखिए 2 कॉमन लेके नीचे से कट जाएगा तो रूट आपको आ जाएगा -1 + -√3i। ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट आया है, और एक रूट आपका जो है वो m - 2 से 2 आया है। तो एक रियल है और 2 कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स वैसे भी मालूम है आपको, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो -1 + √3i था तो -1 - √3i होना ही था। तो अब हम देखेंगे एक मूल वास्तविक है और दूसरा जो है काल्पनिक है। काल्पनिक या कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो आपका सिंगल रूट निकला है इसको तो c into e to the power लगा के आप लिख दोगे। चाहे आप पहले लिख देते c1e to the power 2x, या फिर आपने लास्ट में लिख दिया। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमें रूल पता है, रूल आप देख लीजिए थ्योरी के वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, दे दिया है वैसे मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं थ्योरी के वीडियो देख करके कि इस तरह के जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो उस समय किस तरह से सॉल्यूशन लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है। तो ई टू द पावर जो रियल पार्ट है वो पावर में लग जाता है यहाँ पर, और जितना ये आई का कोफिशियंट है √3, ये आपका c1 cos √3x + c2 sin √3x इस तरह से करके ये लिख दिया जाता है। और चूंकि होमोजेनियस इक्वेशन चल रही है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वही आपका सॉल्यूशन y = हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। तो पिछली एक्सरसाइज जो पिछला वीडियो जो था उसमें जो हमने क्वेश्चंस लिए थे 1 to 8, उनमें जो है केवल रूट्स डिफरेंट या सेम वाले रूट्स के क्वेश्चन थे, लेकिन इस वाले में आपके जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट का ये क्वेश्चन मिला है हमें, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी वीडियो में तो आप जो है वो तुरंत इसके कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे उसको पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी का तुरंत आंसर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, देखिए d² + μ²
वाई इक्वल टू जीरो। बहुत अच्छी बात है, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दिया है। डी स्क्वायर देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। राइट साइड में जीरो लगा हुआ देख करके आप पहचान जाएंगे कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है, अगर ये बाई चांस पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन को पहचानना पेपर में कोई टफ काम नहीं है। फिर से बात वही है, इट्स ऑक्सिलरी फंक्शन विल बी कितना हो जाएगा, तो डी को एम से रिप्लेस किया, इक्वल टू जीरो लगा दिया, वाई हटा देते हैं। सीधे आप ये समझ लीजिए कि चाहे ऐसे ध्यान रख लीजिए, डी को एम से रिप्लेस करके जीरो लगा दिया या डी को एम से रिप्लेस करके वाई हटा दिया, कोई भी चीज़ हो। अब देखिए एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, यहाँ पर जो ट्रिक है, फैक्टर ऐसे नहीं हो पाएंगे। तो ट्रिक यहाँ पर है कि हम यहाँ पर माइनस एक तो पुट करेंगे और फिर एक एक्स्ट्रा आई स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस वन इंटू माइनस वन आपका फिर से प्लस आ जाएगा। तो ये ट्रिक यहाँ पे देखने लायक है, मतलब जैसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, किस तरह से आप अपना काम चलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर आ गया, अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन हो जाएगा, एम प्लस आई म्यू एम माइनस आई म्यू, यानी कि एम इज इक्वल टू माइनस आई म्यू और प्लस आई म्यू, यानी कि वही है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हमारे पास। बस ये है कि स्टार्टिंग में आपका जीरो है। तो अब मूल काल्पनिक है आपके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर फंक्शन वही, क्योंकि होमोजेनियस सॉल्यूशन इसलिए फंक्शन ही, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन होता है वाई इज इक्वल टू। अब ब्रैकेट में बाहर आपका लिखना चाहिए था आपको ई टू द पावर जीरो आया ना, तो ई टू द पावर जीरो एक्स, ठीक है ना, और फिर अंदर सी वन कॉस म्यू एक्स और सी टू साइन म्यू एक्स। अब ई टू द पावर जीरो एक्स वन हो गया, तो इसलिए ये चीज़ जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगली लाइन में आप इसे हटा दोगे और सी वन कॉस म्यू एक्स प्लस सी टू साइन म्यू एक्स, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो आप एक जनरल मेथड ही चलाइए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आए तो ये करते हैं। अब उसमें कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट की वैल्यू जीरो हो गई है, तो ई टू द पावर जीरो एक्स कर दिया हमने, ठीक है ना। तो एक रूल देख लगाइए और उसी को फिर हर जगह अप्लाई करिए। तो इसलिए इसको यहाँ पे जीरो लिख के फिर आप इस तरह से शो करें तो आपके कंसेप्ट वेरी नहीं करेंगे, नहीं तो आपको कॉम्प्लेक्स वाला अलग फील हो देगा और ये वाला जो पार्ट किया इस तरह से ये अलग फीलिंग देगा, आपको लगेगा दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन से। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और हम ये आपको अपनी स्क्रीन पर नीचे लिखा दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, डी टू बाई डी टू एक्स बाई डी टी टू, अच्छा वेरिएबल बदल दिए हैं, वाई और एक्स होते थे, एक्स और टी है तो कोई बात नहीं, हम भी उनकी जगह पे अपना रिप्लेसमेंट कर लेंगे। माइनस थ्री डी एक्स बाई डी टी प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ जब टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो व डी एक्स अपॉन डी टी जीरो। ये जो इन्होंने कंडीशंस दी हैं इनकी हेल्प से क्या होगा, इनकी हेल्प से क्या होगा, जो आपके जब सॉल्यूशन लिखते हैं हम तो उसमें जो कांस्टेंट्स आते हैं सी वन सी टू, इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए ये कंडीशंस दी होती हैं, दी हुई हैं। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जैसे बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे वो आपके जनरल फॉर्म में आ रहे थे सी वन सम सी प्लस सी टू, इसमें आपका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, कॉन्स्टेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यूज़ पुट हुई होंगी। तो ये कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर है जो बाकी क्वेश्चन में नहीं था, इस क्वेश्चन में है, तो आप उसे वैसे ही ट्रीट करेंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं हम क्या है, पहले हमने डिफरेंशियल फॉर्म में इसी क्वेश्चन को लिख दिया, अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही कि जब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर से इट इज़ लिखा हुआ है, इसको इट्स कर लीजिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी कितनी हो जाएगी, तो ये एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। आपने इसके फैक्टर किए, फैक्टर करके आपके रूट्स वन और टू निकल आए। तो चूंकि क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर रखा है, ये एक्स्ट्रा चीज़ करने को दे रखी है, तो इन्होंने चलिए शुरुआत में अच्छी का बात करी कि हमें क्वेश्चन आसान दे दिया, फैक्टर आराम से होके, और उसका सोल्यूशन मिल गया हमें कितना, एक्स इक्वल टू एक्स और टी में है ना, तो एक्स इक्वल टू सी वन ई टू द पार, पहला रूट लगा दिया तो सिंगल टी और दूसरा रूट लगा दिया तो टू टी, तो दूसरे रूट के हिसाब से आपने ई टू द पार टू टी लिख लिया और इस तरह से आपका सोल्यूशन एक्स इक्वल टू सी वन ई टू द पार टी प्लस सी टू ई टू द पार टू टी आ गया। अब देखिए आपको कंडीशन दी थी कि जब टी इक्वल टू जीरो तो आपका एक्स जीरो है और डी एक्स बाई डी टी भी जीरो है। एक्चुअली दो कंडीशन इसलिए देनी पड़ी क्योंकि आपके पास दो कांस्टेंट्स हैं, इसलिए आपको दो कंडीशन देनी पड़ी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं टी इक्वल टू जीरो है तब आपका एक्स इक्वल टू जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो है और डी एक्स बाई डी टी भी जीरो है टी इक्वल टू जीरो पर, ये मेन कंडीशन है, इस पर ये दोनों चीज़ें जीरो हैं, ये एक चीज़ मतलब बनता है इसका। तो आपने क्या किया कि t इक्वल टू जीरो पे x जीरो है तो आपने इसकी इस क्वेश्चन में पुट कर दिया, x की वैल्यू जीरो डाल दी, t की वैल्यू जीरो जीरो डाल दी आपने,
ठीक है ना, तो इससे आपका सॉल्व होकर एक सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन लगाने के लिए, दूसरी कंडीशन क्या थी कि डी एक्स बाई डी टी जीरो होगा टी इक्वल टू जीरो पर। तो आपने क्या किया पहले कि जो इक्वेशन फर्स्ट आई है इसको आपने एक बार पहले डिफ्रेंशिएट कर लिया ताकि आपको डी एक्स बाई डी टी मिल जाए। फिर आपने वो कंडीशन लगा दी कि टी इक्वल टू जीरो पर डी एक्स बाई डी टी जीरो, तो टी की वैल्यू आपने यहाँ और यहाँ पुट कर देनी है और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू जीरो यहाँ पुट कर देनी है। इसको जब आप पुट करोगे तो सी वन प्लस टू सी टू इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन निकल के आएगी। अब देखिए इन्होंने लिखा है कि ए व बी का कोई हल नहीं होगा। इस बात को लिखने की बजाय आप ऐसे कहें कि इसको जैसे ऐड कर दें आप या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो सी वन सी वन कट जाएगा, सी टू माइनस टू सी टू इक्वल टू जीरो, तो ये सी टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। उसके बाद आप सी टू की वैल्यू जो है वो फर्स्ट ये इक्वेशन में डाल दें ए में, तो आपका सी वन कितना आ जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से सॉल्व होगा, बजाय इसके लिखने के कि ए व बी का कोई हल नहीं होगा, आप इसकी सॉल्व करें प्रॉपर, सी वन सी टू जीरो आ जाएंगे आपके, तब आप लिखें सी वन सी टू हमारे जीरो आए। ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट डिस्प्यूटेड है, इसे आप हटा दें और सिंपली सॉल्व करके एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें तो सी टू जीरो आ गया, सी टू की वैल्यू वहाँ बढ़ा दें इस इक्वेशन में तो सी वन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो सी वन सी टू जीरो आ गए, ठीक है ना। अब आप जो है वो सी वन सी टू की जीरो की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे जीरो जीरो, और जीरो जीरो करने पर आपको क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन था हमारे पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, ठीक है ना, और कंडीशन उन्होंने दे दी थी, तो जनरल सोल्यूशन तो हमारा ये आया था, लेकिन जब हमने बाउंड्री कंडीशंस वगैरह अप्लाई करी और अप्लाई करके तब हमारा फाइनल आंसर एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कम्प्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, और फिर से इन्होंने कंडीशन दे दी है वाई जीरो इक्वल टू जीरो और वाई डैश जीरो इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू जीरो। एट एक्स इक्वल टू जीरो ना भी लिखते तब भी आप देखिए वाई की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो है, ये मतलब इससे निकल रहा है, और वाई डैश की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो वन है, ये इससे पता लग रहा है। बल्कि क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू जीरो नहीं दिया है, ये केवल एलेबोरेट करने के लिए इन्होंने अपने आप लिख रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से ऑपरेटर फॉर्म में हमने पहले इक्वेशन लिखी, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन इट्स होना चाहिए यहाँ पे। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी बन गई जा करके एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू, और यहाँ से आपने टू एम एम कर्म में ब्रेक करके और एम इक्वल टू वन टू जो है आपने कंडीशन निकाल दी, मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तो सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू टू द पावर टू एक्स, ये आपका सोल्यूशन आ गया, यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यही सोल्यूशन है। अब आप देखिए वाई जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि एक्स जीरो पुट कर दें तो यहाँ पे वाई वैल्यू जीरो है, तो आप एक्स यहाँ भी जीरो पुट करिए, एक्स यहाँ भी जीरो पुट कर दीजिए, तो वाई इक्वल टू जीरो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को जब हमने पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। चलिए एक इक्वेशन बन गई, अब दूसरी कहाँ से बनेगी, तो दूसरी कंडीशन जो दी है हमारे पास देखिए ऊपर वाई डैश जीरो इक्वल टू वन, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें तो उस पर जीरो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके वन आता है, ये चीज़ है मतलब। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, उसको हमने एक्स के सापेक्ष अवकलित कर लिया, तो डिवाइड एक्स इक्वल टू ये सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस टू सी टू ई टू द पावर टू एक्स आ गया। अब कंडीशन दी है कि डिवाइड एक्स वन है और एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो ये जीरो जीरो यहाँ पुट होंगे और तब यहाँ पर जो है सी वन प्लस सी टू इक्वल टू वन, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर इन्होंने वही चीज़ की है जो ऊपर करी, ऊपर नहीं करी थी, सी वन और ये दोनों इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से क्या हुआ कि सी टू इक्वल टू वन आ गया, सी टू की वैल्यू आपने एक इक्वेशन में पुट कर दी ए वाली इक्वेशन में, तो उस केस में सी वन जो है वो माइनस वन आ गया। अब सी वन सी टू की वैल्यू आपने जो है वो इक्वेशन नंबर सेवन यानी कि इक्वेशन नंबर वन जो भी आई थी, सेवन या वन जो भी है ये वाली, जिसमें सी वन सी टू की वैल्यू रखनी थी वो आपने उसमें रख दी, तो वाई इज इक्वल टू माइनस सी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर टू एक्स, ये आपका सोल्यूशन आ गया, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब है क्या बोलते हैं उसको कि सी वन सी टू की जो वैल्यू पुट कर दी है आपने, और ये यहाँ पे आपका जनरल सोल्यूशन था वाई इज इक्वल टू। तो हमें बाउंड्री कंडीशन देंगे तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन,
अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं है, ये सब नहीं होता, तो हमारा क्वेश्चन बस यहीं तक जाता है। ये है कहने का मतलब। चलिए, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए, इसमें थोड़ा फैक्टर वगैरह में आपको प्रॉब्लम महसूस होगी, थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर माइनस फोर डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस एट डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एट डी वाई डी एक्स प्लस फोर वाई। तो इसमें एक तो आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक आपके पास मेन वर्क है, और जब उसके बाद मेन वर्क आ जाएगा तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, तो उसके बेस पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। तो कैसे करना है, देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले हमने इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने सीधे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी। अब देखिए, मैंने बताया था पहले भी कि आप एडजस्टमेंट कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो क्योंकि अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें कि आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। एम इक्वल टू वन टू थ्री कोई रूट नहीं है, सब आपके कॉम्प्लेक्स निकल रहे हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप थोड़ा सा पेपर में ध्यान रख के जाइए कि क्या सब ट्रिक लगाई गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर किसी ने पहले नहीं देखा है तो उसको करने में समस्या आ सकती है। तो देखिए, बड़े ध्यान से करके क्या किया गया है, एम फोर है, एम फोर रखा, माइनस फोर एम क्यूब है, तो इसे माइनस टू एम क्यूब प्लस टू एम क्यूब और माइनस टू एम क्यूब इस तरह से ब्रेक किया है। एट एम स्क्वायर को फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम इसमें ब्रेक किया है प्लस टू एम स्क्वायर, और फिर उसके बाद जो है वो एट एम को जो है वो अच्छा एट एम का दो पार्ट करके यहाँ पे लगा दिए हैं, माइनस फोर एम और प्लस फोर लास्ट में किया है। देखिए, जब हमारे पास रूट्स निकल आए हैं वन प्लस माइनस आई वन प्लस माइनस आई और रिपीट कर रहे हैं वो, तो अब इस बेस पे हम इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब लिख सकते हैं, वही सोल्यूशन भी होगा। तो सीधे हम वाई इज इक्वल टू लिखते हैं। देखिए, रिपीट जो कर रहा है वो हमारा वन वन रिपीट कर रहा है, वन रियल पार्ट है, तो आपने ई टू द पावर एक्स को तो बाहर रखा, और दो बार है तो सी वन प्लस सी टू एक्स और कॉस एक्स, इसके साथ कॉस के साथ मल्टीप्लायर में आई का कोफिशियंट आएगा वो वन है, और इसी तरह से प्लस ई टू द पावर एक्स सी थ्री प्लस सी फोर साइन एक्स। आप ई टू द पावर एक्स कॉमन भी ले सकते थे और यहाँ से वो हट जाता और ये इस तरह से लिखा जा सकता था। कायदे में हमने इसी तरह से पढ़ा हुआ है कि जो इक्वल आया है वो ई टू द पावर एक्स, जो रियल पार्ट है वो ई टू द पावर एक्स में चला आएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशियंट है वो कॉस के साथ लगेगा, और दो रूट्स दो बार रिपीट कर रहा है तो इसलिए सी वन एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स और सी थ्री प्लस सी फोर एक्स ये लग जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कम्प्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में देखिए क्या है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, आपको स्क्रीन पे नीचे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री माइनस सिक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू प्लस नाइन डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। फिर से आपने क्या किया, इसे ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट किया और एम पुट करके आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी। तो एम क्यूब माइनस सिक्स एम स्क्वायर प्लस नाइन एम माइनस टू, और इसमें क्या करेंगे आप सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे कौन इसका फैक्टर है, तो एम इक्वल टू टू इसका फैक्टर मिल रहा है, तो इसका मतलब एम इक्वल टू टू सेटिस्फाई करता है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना चाहिए एम माइनस टू इक्वेशन टू का एक फैक्टर होगा। तो इसलिए अब हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इसका एक फैक्टर मिल गया एम माइनस टू, और फिर साइड में आप डिवाइड करोगे, एम माइनस टू से आप डिवाइड करोगे ये इस पूरे एक्सप्रेशन में, एम क्यूब वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको जो है आप यहाँ लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने का तरीका वीडियोज़ में बताया हुआ है मैंने, डिवाइड करने के बाद आपको जो है वो मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन यहाँ पे। तो एम माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई और ये एक्सप्रेशन, ये आपका पूरा इतना बनता होगा। अब क्या करेंगे आप, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस वन है तो आप इसको सॉल्व करना है जब हमें, तो आप ऐसा करेंगे इस तरह से ही कर लें, या फिर इसको सीधे तो आप धराचार्य लगा देंगे, धराचार्य भी इससे भी सीधे आपका टू प्लस माइनस रूट थ्री आ जाएगा। इस तरह से एडजस्टमेंट करने की बजाय आप सीधे धराचार्य अप्लाई करते हैं, उससे ये आपका आ जाएगा इरेशनल फॉर्म में, और एम माइनस टू से आपका एम इक्वल टू टू आ जाएगा। तो हमारे पास एम इक्वल टू टू एक सिंगल रूट आ गया और बाकी इरेशनल आ गए जो कि दो पेयर में होंगे। अब आप इनसे आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, हमने इसके लिए भी रूल पढ़े हुए हैं अपने थ्योरी वीडियोज़ में, ये ऐसा जब इरेशनल आ जाए हमारे पास रूट तो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन है इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका जो है वो सॉल्यूशन होगा। चाहे आप लिख भी सकते थे यहाँ पे कि y इज इक्वल टू
सी एफ हमारा ये सॉल्यूशन होगा जा करके। तो आप इसमें क्या करोगे, एम इक्वल टू टू के करस्पॉन्डिंग तो आपने ये लिख दिया सी थ्री टू द पार टू एक्स, शुरू में भी लिख सकते थे सी वन टू द पार टू एक्स, कोई बात नहीं। और इरेशनल के हिसाब से आप हाइपरबोलिक फॉर्म में चले जाएंगे, सी वन जो इसका पार्ट है रेशनल पार्ट वो ई टू द पार टू एक्स में आगे आ जाएगा, और रूट थ्री जो है वो हाइपरबोलिक के साथ आ जाएगा। तो सी वन कॉस हाइपरबोलिक रूट थ्री एक्स प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक रूट थ्री एक्स, इस तरह से ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कम्प्लीट होता। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, और 15 देखिए डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस म्यू एम इक्वल टू जीरो है, म्यू एक्स सॉरी इक्वल टू जीरो है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा नीचे साइड में, और कंडीशन है म्यू ग्रेटर देन जीरो है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए है और एक्स इक्वल टू ए है। दो चीज़ें होती हैं कब, जब हमारा टी इक्वल टू पाई बाई रूट म्यू होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको ये सब चीज़ें क्यों दी हैं, ताकि जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे हमारे इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में उनकी वैल्यू निकाल सकें। तो पहले तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखा तो डी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, इंटू कह रहा हूँ मैं लेकिन आप समझ जाइएगा उस बात को, कहते हैं ना भावनाओं को समझिए, तो वो एक्चुअली ऑपरेटर ऑपरेंड का हिसाब है लेकिन बोल जाते हैं हम भी इंटू। अब इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, तो देखिए एम से डी को एम से रिप्लेस कर दिया हमने, एम स्क्वायर प्लस म्यू और इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे फिर से ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार हम और भी यूज़ कर चुके हैं, आपके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे और साथ में एक आई स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर दोगे, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होगी, मल्टीप्लाई करके फिर प्लस हो जाएगा हमारा, बात वही रहनी है लेकिन हमारे फैक्टर हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस आई रूट म्यू एम रूट म्यू सॉरी और होल स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में अरेंज किया उसके बाद आपने रूट्स लिख दिए, तो एम इज इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस रूट म्यू आई आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स है इसका रियल पार्ट आपका जीरो है, इस तरह से लिखेंगे। मूल हमारा काल्पनिक हो गया तो इसलिए हमारा सोल्यूशन जो हो जाएगा एक्स इक्वल टू ई टू द पार, ऐसे आप पहले एक लाइन में ऐसे लिखो ई टू द पार जीरो टी, ठीक है ना, और उसके बाद ए कॉस रूट म्यू टी प्लस बी साइन रूट म्यू टी। अब ई टू द पार जीरो टी अगली लाइन में वन हो जाएगा, तो आप फिर इसको वन हटा दो तब ये इतना सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन इतना ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, उन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दे दी हैं, तो कंडीशन देने की वजह से होगा ये कि अब हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू पाई बाई रूट म्यू पे एक्स की वैल्यू ए है तो हम इसमें रखेंगे, एक्स की वैल्यू ए रख दी हमने और जहाँ जहाँ टी है वहाँ पाई बाई रूट म्यू रखा, तो देखिए साइन पाई तो जीरो हो जाएगा लेकिन ये माइनस वन कॉस पाई की वैल्यू होती है, तो यहाँ से ए इक्वल टू माइनस ए निकल आया, आपका एक कोफिशियंट जो है कॉन्स्टेंट जो है निकल आया है। अब कह रहा है कि दूसरी कंडीशन क्या है कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए है उसी केस में टी पाई बाई रूट म्यू पे, तो आप क्या करेंगे पहले इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस इतना इतना जो भी डिफरेंशिएट करके आता है, अब इसमें आप कंडीशन पूरा कर देंगे टी इक्वल टू पाई बाई रूट म्यू पे डी एक्स बाई डी टी जीरो है, जीरो है, अच्छा तो जीरो है ये, ठीक है जीरो कोई बात नहीं है, देखने में थोड़ा सा वहाँ पे हो गया मिस्टेक। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टी की वैल्यू पाई बाई रूट म्यू यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे डाल दोगे और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू जीरो यहाँ डाल दोगे, तो इससे क्या होगा आपका ये जीरो हो गया। यहाँ पर आप फिर से सॉल्व करोगे साइन पाई फिर से जीरो हो जाएगा, ये वाली चीज़ बचेगी आपकी बार कॉस पाई रूट म्यू इंटू रूट म्यू, तो कॉस पाई माइनस वन होता है, यहाँ से आपका बी इक्वल टू जो है वो जीरो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ए बी के मान आपने आ गए हैं, ए और बी के मान जो है आप इक्वेशन सेवन में रख देंगे, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आई है माइनस ए, ए की वैल्यू माइनस ए रख देंगे कॉस रूट म्यू म्यू रूट म्यू टी, और बी की वैल्यू जो आपकी आई है वो जीरो आई है, तो जब बी की वैल्यू यहाँ रखोगे आप तो ये पूरा का एक्सप्रेशन जीरो खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है ए इक्वल टू माइनस ए कॉस रूट म्यू इंटू टी इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। पूरी एक्सरसाइज हमने दो वीडियोस में कंप्लीट की, पहला पार्ट है इसका जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व किए, और दूसरा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 टू लेकर 15 सॉल्व किए। तो सारे तरह के क्वेश्चंस की वैराइटीज में हो चुकी है,
जो जितने एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल्स दिए हैं बुक में जो इंपॉर्टेंट है वो मैक्सिमम हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कवर कर लिए हैं, तो इसलिए अब आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं रह जाता है जिसको कि हमने हमारी नज़रों से ना गुजरा हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं। आशा करता हूँ कि आप इसी तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।